सेंधवा में वनवासी राम आश्रम हॉस्टल में अनेकों अनियमितताओं को लेकर बच्चे परेशान हैं। यहाँ गुणवत्ताहीन खाना, खेल एक्टिविटी का अभाव, हॉस्टल में घर से राशन मंगाना, वार्डन द्वारा मारपीट, नाश्ता नहीं मिलने समेत अन्य कई समस्याओं को लेकर वनवासी राम बालक आश्रम के बच्चे SDM कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बच्चों की शिकायत पर तत्काल टीम जांच करने पहुंची। नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी के नेतृत्व में BO और ब्लॉक समन्वयक संयुक्त रूप से जांच करने पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर जांच कर बच्चों और अधीक्षिका के कथन लिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का हवाला दिया, पंचनामा बनाया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अधीक्षिका ने बताया कि दस्तावेज उनके पति के आने पर अधिकारियों को देंगे। वहीं मामले में जांच के बाद कार्रवाई का अधिकारियों ने हवाला दिया। बच्चों ने कहा समय पर समस्या निराकरण नहीं होने पर शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाएंगे। परवीन, आज तुम SDM कार्यालय आए, क्या वहाँ पे 6 से 10 तक के बच्चों को रखने का नियम है? अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? कि वो उसको हटाया जाए। सर, बच्चों ने शिकायत की क्या मामले? हाँ, आज अभी 11 बजे के लगभग यहाँ पे जो सेंधवा में हॉस्टल है, वनवासी हॉस्टल है, वहाँ के बच्चे इकट्ठे होकर के सेंधवा में आए थे SDM कार्यालय में। तो उनकी शिकायत के संदर्भ में हम, मैं और BO साहब मौके पे आए थे हॉस्टल में, उनकी समस्या जानी और यहाँ पे जो अधीक्षिका हैं उनसे भी चर्चा की गई तथा यहाँ पर मौका पंचनामा बनाया गया है जो SDM साहब को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अरुण मालवी। कहाँ रहते हैं? श्री वनवासी राम आश्रम में। SDM ऑफिस पहुँचे थे कि परेशानी को लेकर? क्या परेशानी? खाना ढंग से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता और पहले नाश्ता भी शाम को 5 बजे मिलता था, अभी नहीं मिलता और छात्रवृत्ति भी नहीं डलती। और है ना, खेलने का समय पे कई घास मतलब वो साफ कराते, खेलने का समय नहीं मिलता और पढ़ने में 3.5 घंटे मिलते। और क्या परेशानी? और पहले 5 बजे नाश्ता मिलता।